हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे फिर से नई वीडियो में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रेंड किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया जाता है। फ्रेंड, अगर आप कोई भी फोटो खींचते हैं और पीछे का बैकग्राउंड बहुत सारा खराब आता है तो अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कैसे रिमूव करते हैं, कैसे पीछे का बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं फिर से कोई नए नए वीडियो आऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी फोटो का पीछे का बैकग्राउंड होता है उसे कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे हटाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप अपने किसी भी अपने फोटो का पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है यानी कि डिलीट करना है। कोई भी आप फोटो खींचते हैं तो आप पीछे का जो बैकग्राउंड होता है बहुत खराब आता है, तो अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है रिमूव कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे रिमूव किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने यहाँ से क्रोम ब्राउजर पर आना है, और यहाँ से क्रोम ब्राउजर पर भी जा सकते हैं या तो गूगल पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे गूगल पे मैं बताता हूँ आपको, गूगल पर जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो गूगल पर यहाँ पर सर्च करेंगे रिमूव बीजी, चलिए इसे सर्च कर लेते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको सर्च करना है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी पर जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो रिमूव बीजी जब भी सर्च करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिल जाएगा रिमूव इमेज बैकग्राउंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब भी इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह के कुछ इंटरफेस आएगा, और यहाँ से आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा मेरा नेट स्लो चला इसके लिए सॉरी। और यहाँ इस तरह से इमेज आपको बैकग्राउंड अपना हटाना है तो इस तरह से आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड। तो अपने इमेज को बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज पर जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पर आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से कोई भी फोटो का बैकग्राउंड हटाकर दिखाता हूँ। जैसे कि इस फोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टिक कर देंगे, टिक करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ से अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग होने के बाद इस फोटो का पीछे का जो बैकग्राउंड है हट जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको किस तरह से फोटो का बैकग्राउंड में हटा रहा हूं। और कोई भी आप फोटो को पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, और देख सकते हैं यहां से आपको रिमूव बीजी पर सर्च करना है, और इस तरह से पीछे का जो बैकग्राउंड होता है हट जाता है। तो देख सकते हैं ये पीछे का जो बैकग्राउंड है हट चुका है, और यहां से आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तब तो ये फोटो को डाउनलोड करना है ना, तो आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जब भी क्लिक करेंगे तो देखिए आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप दिखा रहे हैं पहले का फोटो कैसा है और आपका फोटो कैसा है, तो आपको यहां से आपको गैलरी में आना है, और गैलरी में आपको डाउनलोड हो चुका है तो गैलरी में आपको क्लिक करना है। सो फ्रेंड, जैसे आप गैलरी में आएंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे मैं फोटो को डाउनलोड किया हूँ तो यहाँ से फोटो देख सकते हैं कि जो जो पहले का फोटो था इस तरह का था, जैसे कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड हटाया हूँ, और यहाँ से कट करके आपको दिखाता हूँ जो बैकग्राउंड हटाया हूँ, इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह का आपको फोटो दिख रहा है। तो इस तरह से आसानी से अपने पीछे का जो बैकग्राउंड होता है फोटो को हटा सकते हैं आसानी से, और कोई भी फोटो का इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अप्लाई कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए नए वीडियो डालूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।